आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट पर। इस सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सीट, ये क्षेत्र ऐतिहासिक इमारतों के लिए और खास तौर पर बुलंद दरवाजे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन इस बार जनता का मूड चुनावों से पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, जानने के लिए चलिए मिलते हैं। योगी जी पर ही भरोसा है और योगी जी के आधार पर ही काम करना है। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र? हमारे क्षेत्र में योगी जी द्वारा जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं उनसे जनता ऊब चुकी है, जाते नहीं है। अगर बीजेपी ने इनको पुनः टिकट दे दी तो खामियाजा इस फतेहपुर सीकरी को भुगतना पड़ेगा और ये जीत नहीं पाएंगे। तेज हो या बहन मायावती जी हो, वो तो परिवारवाद की राजनीति करती हैं, वो जनता के बीच में नहीं है। प्रियंका गांधी भी बहुत कोशिश कर रही हैं, नहीं आनी चाहिए? नहीं, प्रियंका गांधी जी तो करीबन मेरी 40 साल की उम्र हो गई, उत्तर प्रदेश में तो उनका कोई वजूद है ही नहीं। मूड तो उनका भाजपा का ही है, लोग भाजपा को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो हैं राजनेता उनका उनसे थोड़े लोग खिलाफ हैं और वो कभी क्षेत्र में नहीं आते, कभी उन्होंने कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं उठाया। देखिए, हम तो अपने बाबा मुख्यमंत्री योगी नाथ जी पसंद करते हैं और अब की बार सरकार उन्हीं की, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं, जैसे अपने क्षेत्र में आवास योजनाएं और भी बहुत काम है, सड़कों की मरम्मत कराना और महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश में? तो बीजेपी आई। अब काम हुआ है, योगी जी ने काम किया है, इतना बढ़िया काम हुआ है और उससे तो क्या चाहिए, विकास भी है और तुम्हारे क्या सेफ्टी भी है। अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, यूपी कहीं तक डेवलपमेंट है। बीजेपी की सरकार आएगी, इन्होंने काम करवाए हैं, बहुत काम करवाए हैं। जैसे हम आगरा में रहते हैं तो मेट्रो वगैरह का काम हो रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल अगर कोई भी बात होता है 112 नंबर लगाओ, तुरंत पुलिस आती है और पूरी जो होता है काम वो सही कर रही है। सरकार आपकी देखो भाजपा की ही है, क्योंकि हमें हर जगह सुना है, टीवी पे भी, मोबाइलों पर भी, कि लोग भाजपा का ही मतलब बढ़ावा देते हैं कि मोदी बढ़िया लगा है, ये भगवान के अवतार में आए हैं योगी मोगी, इसलिए भाजपा का ज़्यादा जोर चल रहा है। इस बार तो मैडम ये लग रहा है कि मान के चलो यूवी फतेहपुर सीकरी के अंदर ना तो सांसद ने काम किया ना विधायक ने काम किया। उन्होंने आज तक ये मान लीजिए आप कि फतेहपुर सीकरी हमारी आज 5 सालों में उन्होंने पलट के नहीं देखी, क्या फतेहपुर सीकरी हो क्या रहा है, कुछ नहीं देखा उन्होंने आज तक। और वो भी अपने ऊँचा ही बोल रहे थे कि मतलब विधायक ने ना सांसद ने किसी ने फतेहपुर सीकरी उलट के नहीं देखी, एक रुपये का काम नहीं हुआ फतेहपुर सीकरी में। तो मैडम कहने का मतलब ये देखो, सरकार वो होनी चाहिए जो काम करे, विकास करे, पब्लिक के लिए काम करे, सरकार वो होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जैसा लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मकान दिए थे, घर दिए थे, मालिया दिए थे, पक्की बातें दिए थे, लेकिन मोदी जी ने 1 रुपया पब्लिक को दिया था और 1000 रुपये पब्लिक से लिया जा रहा है। मैडम आप जी देखिए कि महंगाई कितनी है, क्योंकि उनका वर्क बहुत अच्छा है। महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। महंगाई तो मैम जनता की वजह से बढ़ रही है, ना कि मोदी योगी की वजह से बढ़ रही है। किचन का बजट नहीं बिगड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।